में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज एक चैलेंज मैं दिखा रहा हूँ आपको। इनफैक्ट आपने यूट्यूब पे बहुत सारा दिखा होगा, 100 रुपीज़ चैलेंज लिविंग इन अ डे इन मेट्रो सिटी। तो सेम टाइप का चैलेंज है, 100 रुपये में मेरा 2 टाइम का मैंने खाना बनाया हुआ है आज। और एक्चुअली वीडियो लेट बन रहा है क्योंकि मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, लंच के लिए भी खाना है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि 100 रुपये में कैसे रूम में रह के एक दिन खाया, मतलब सर्वाइव किया जा सकता है, खाना खाया जा सकता है, और वो भी अच्छा खाना। ऐसा नहीं कि खाना, मतलब खाने की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मैंने ये खाना बनाया हुआ है। एक्चुअली मैं अभी कोलकाता में हूँ और न्यू ईयर है आज, ठीक है। तो न्यू ईयर स्पेशल वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ आज इवनिंग में आपको। आई होप वो वीडियो मिल जाएगी, तो वो न्यू ईयर स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगा आज इवनिंग में आपको उसके साथ ही। जैसे मैंने खाना बनाया तो मुझे अराउंड 75-80 रुपीज़ का खर्च पड़ा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं सिंगल अकेला ही रूम पे था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। सो आई थॉट कि वीडियो बनाते हैं एंड देखते हैं कि कैसे 100 रुपये में एक दिन सर्वाइव किया जा सकता है कोलकाता जैसी सिटी में। तो सबसे पहले मैं सामान बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया था। एक्चुअली सबसे पहला मेरा सामान क्या था, चावल था। तो हाफ के जी चावल लिया था मैंने, अराउंड 25 रुपीज़ का पड़ा था। उसके बाद देखा जाए तो वो अंडा लिया था मैंने 4 पीस, जो कि मुझे अराउंड 28 रुपीज़ का पड़ा था। तो कितना हो गया, 50-50-50-53 रुपये का ये सामान हो गया, ठीक है। मसाले ऑलरेडी घर पे थे, रूम में रखा हुआ था मसाला वगैरह, तो मसाले की जरूरत नहीं थी। उसके अलावा मैंने आलू लिया था, सॉरी आलू नहीं, प्याज लिया था मैंने, ठीक है, प्याज लिया था मैंने 250 ग्राम, जो कि 7-8 रुपये का साइज प्याज था, आई थिंक 5-6 रुपये का था प्याज। तो 53 और 5 58 रुपये हो गए। तो उसके बाद मैंने तेल लिया था 100 ग्राम, 17 रुपये का वो हो गया। तो अराउंड 70-72 रुपये का सामान, ये टोटल सामान था। उसके बाद खाना मैं दिखाता हूँ कैसा बना है। तो फ्रंट कैमरा से ही मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रहा राइस, देख सकते हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको इसे निकाल के, देख सकते हैं, आई होप आपको क्लीन दिख रहा हूँ। ये राइस की क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है राइस की, ऐसा मतलब राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अभी देख सकते हैं अभी भी 2 लोग खा सकते हैं, इतना राइस बचा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मैंने अंडा करी बनाया था आज, आई होप आपको दिख रहा हो शायद, बिल्कुल ये अंडा करी मैंने बनाया था आज के लिए। तो ये 2 खाना था जो कि मैंने बनाया और बहुत टेस्टी बना था। एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था, अदरवाइज मैं वीडियो दिखाने का, मेरा एक्चुअली आज मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान ही नहीं था, सडनली मूड हुआ क्योंकि मैंने देखा तो सिर्फ 75 रुपये में इतना अच्छा खाना बन गया। उसके अलावा अभी सुबह मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और अभी भी लगभग 2 आदमी का खाना बचा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए, ये बैचलर्स लोग के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि बैचलर्स लोग क्या स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो बाहर रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ काम कर सकती है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ कॉस्ट में ऐड नहीं है, जैसे कि गैस हो गया तो वो सब पहले से फिलअप था, तो इसीलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया। अदरवाइज़ मैं उसे ऐड करूँ तो थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ सकती है, बट गैस वगैरह मेरा पहले से फिल था तो इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को ऐड नहीं किया, ठीक है, सिंपल सा रखा हुआ है मैंने। और इसलिए ये मेरा 100 रुपीज़ का चैलेंज था। आई होप आपको पसंद आया होगा ये 100 रुपीज़ का चैलेंज। तो चलिए आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इवनिंग में डेफिनेटली आज मैं एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ न्यू ईयर से रिलेटेड। 2022 तो हमारा किसी तरह निकल चुका है, 2023 की स्टार्टिंग है, तो लेट्स होप कि सभी का 2023 अच्छा जाए एंड आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आप सभी के लिए न्यू ईयर 2023 जो है वो बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।